সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নিজের মাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা ও ভাইয়ের গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠল আনোয়ার আলম নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের হীরাপুর থানার আজাদনগর এলাকায়। অভিযোগ, আনোয়ার আলম ফল ও শিশুদের খাবার নিয়ে বাড়িতে আসে, সেই সময় সম্পত্তি নিয়ে মায়ের সাথে বিবাদ হয়। বিবাদের জেরে আনোয়ার আলম মা আক্তারি বেগমকে বাথরুমের জলে ডুবিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ভাই মোহাম্মদ আলম বাধা দিতে গেলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করে বলে অভিযোগ। भाई के साथ गया था काम में, तो है ना फोन किया आया तो माँ को छुरी चाकू धमका के बोला, उसको बोला मंजिला बेटा को, संजिला को, तो अम्मी फोन करके बुला ली घर से, आया ना उसको भी बांध दिया, अम्मी को भी बांध दिया, मेरे छोटी गोतनी को भी बांध दिया। अच्छा। बांध के चापर छुरा सब झोला में लेके आया था, फल सब साथ में लेके आया था, और क्या बोलता रख के अम्मी को रस्सी से हाथ पैर बांध के, सर हम तो देखे नहीं सब, बोला अभी मेरी छोटी गोदनी बाथरूम में है ना डुबा के रख दिया था गमला में, हाथ पैर बांध के रस्सी से ऐसे डुबा के पानी में रख दिया था। तो फिर है ना वो फिर उसको गर्दन किचन में ले जाके काट दिया मेरे देवर को। जो डेट किया उसका पप्पू नाम है, आफ्ताब नाम है, ऐसी असली ऐसे पप्पू बोलता था, और जो मारा उसका अनवर आलम नाम है, आलम आलम बोलता है इसका, आफ्ताब आलम नाम है। हाँ, इसका आफ्ताब आलम नाम है। और जो 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 मार देती उनका क्या नाम है? अम्मी का अख्तरी खातून। अख्तरी, हाँ। कितना उम्र होगा अम्मी का? अम्मी का यही तो 51 साल है सर। मेरा नाम है सरवर आलम। आपका घर में जो हादसा हुआ क्या सुने आप? क्या हम सुने यही चीज की, हम ड्यूटी पे थे तो हमारा छोटा भाई हमको फ़ोन किया, तो बोला कि भैया तो देखिए घर में कुछ ऐसा बात हुआ है, देखिए आप जाके, तो फिर बोला कि मेरा भाई को लेके गया है, कोई पैसा बाकी वाला, तो हमको भाई बोला, तो फिर हम भाई को वापस फ़ोन किया, हम बोला ठीक है हम तो पता किए हैं मगर कोई पैसा वैसा वाला लेके नहीं गया है। तो हमारी जो छोटी बहू है उसको चाकू ऐसे बांधा के, मेरा भाई आलम, हमारा संजला भाई आलम, उसने मेरी माँ को बांध के 1.5 घंटा 2 घंटा पानी में रस्सी बांध के छोड़ दिया। माई को जो उसने 12 महीना पेट में रखा उसको उसने मारा। हमारा भाई को वो आया था बोरा में फल बेफर और चिप्स ले जाया था, वो हमारा घर पे अभी भी मौजूद है, और बोरा में उसका हथियार था। माँ को बांध दिया और बहू को वो चाकू दिखा के, जब वो बहू फ़ोन करने लगा तो सब फ़ोन उससे छीन लिया। हम बगल में रहते हमको भी फ़ोन करने का वो मौका नहीं दिया गया, अगर हम लोगों को मालूम पड़ जाता ज़रा सा भी तो हम लोग ये घटना नहीं होने देते, मगर ये अंधेरा में और बहुत प्लान के साथ किया है, और ये अकेला नहीं होगा। हमारा भाई को आलम पप्पू को 4 आदमी नहीं बांध सकता है, 4 आदमी। हम भी लोगों को बोले कहाँ जा रही बेटी, तो बोले कि ताला बंद है घर में, मगर ताला हमारा भाई बंद कर दिया था पहले कि किसी को मालूम ना पड़े, छत पे भी ताला बंद कर दिया, और हमारा टाइगर जो कुत्ता था वो भी नहीं था, अगर वो रह जाता ना तो फिर तो कोई काम ही होता। काहे ऐसा ये हम लोगों को नहीं मालूम इसका, जमीन जगह का झमेला का बता रहा है। जमीन जो है हमारा, माँ ने जो जमीन बेचा था पार्क के अंदर, ठीक है, हमको भी हिस्सा दिया सबसे बड़ा, हमें सब भाई को, हमारा माँ कायदा से पैसा दे के वो अपना अलग घर बनाया। कौन भाई मारा आपका? कौन भाई? ये भाई मेरा मारा है, ये मजला भाई मारा। नाम बोलो, नाम बोलो। आलम, आलम झोपड़पट्टी में रहता है, रिलायंस का पीछे। उनका सरेंडर हो गया? वो बोलता है कि अभी मालूम पड़ रहा है कि हीरापुर में जाके सिलेंडर हो गया। अच्छा, तो छोटा भाई को मारा, तो मम्मी को मारा? मम्मी को बांध दिया। अच्छा। बाथरूम में पानी में 2 घंटा छोड़ दिया। अच्छा। मुंह कान बांध के बेखासी होगी। और ये भाई को वो जो बोरा में जो खाने का सामान लाया था उससे ये मेरा भाई को मार दिया, मार के लो 1 लाख रुपया उधार लिया था सालभर में, वही खोजने आया था। क्यों मारा, क्यों मारा, क्या लग रहा आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों मारा। बाजी नाम क्या है आपका? नाम क्या है बाजी, नाम आपका? পরে আনোয়ার আলম থানায় আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। হীরাপুর থানা আলম
एक लोग वो थाना में आए थे, थाना में आके वो उन्होंने अपनी माँ को और भाई को मार दिया है और दोनों अभी घर पर है। पुलिस उनको डिटेन करी और घर पर इमीडिएटली पहुँचकर यहाँ पर देखा कि दो डेड बॉडी है, दोनों डेड बॉडी को उद्धार कराए और यहाँ पर जो भी एविडेंस था वो कलेक्ट कराए और जो यहाँ पे विटनेस थे उनसे जिक्र। कैसे करके क्या कारण था सर, क्यों मारा उसको? आज की देख कैसे मारे हैं, किस तरीका से मारा गया सर, किस तरीका से मारा गया? डेड बॉडी को उद्धार करा हुआ है, हिंदी में बोल दीजिए सर। डेड बॉडी को उद्धार करा है और अभी मेडिकल के लिए भेजा है हॉस्पिटल, कल के पोस्टमार्टम होगा। घटना घटा था, इन लोग भाई भाई का झमेला था, दोनों भाई, एक भाई रेल पार में रहता था, एक तो यहाँ रहता था, और वो जो है कि यहाँ पर दो तीन दिन से आके बहुत दिन से यहाँ पर रहने लगा। उसका भाई जो आया घर में ढुका और माँ नहीं था घर पे, थोड़ा फल उल लेके आया था, उसमें चापड़ लेके आया था, फल उल लेके जो आया था उसमें चापड़ था। बहन को आवाज़ दिया, बोला खुलने के लिए, बहन गेट खोला, गेट खुलने के बाद पूछा माँ कहाँ है, बोला माँ नहीं है बाजार में, तो माँ को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आया हुआ। तो माँ आने के बाद जो है गेट बंद कर दिया, तो छोटा बहन था उसको हाथ उठ बांध दिया, हाथ उठ बांध के चापड़ ऊपर दिखाने के बाद जो है माँ को और भाई को काट दिया गला। माँ को और भाई को मारा है कौन, उसका नाम कहाँ है? जो मारा है उसका भाई मारा, उसका नाम हमको नहीं पता, उसका बड़ा। अच्छा, बड़ा भाई मारा छोटा भाई, छोटा भाई को माँ को मेजला भाई मारा है। कौन इलाका है ये आपका? आज़ाद नगर, बानपुर आज़ाद नगर, इस्माइल। वो एक लड़का सिलेंडर किया है और वो कहता है कि हम मार दिया है अपने माँ को, अपने भाई को हम मार के सिलेंडर कर रहे हैं। तो लोग आगे बड़ा बाबू मेजो बाबू समझा कि पागल है, लेकिन जब मेरा फोन चला गया तो उन लोग को कन्फर्म हो गया। अभी CI साहब बड़ा बाबू पूरा आए हुए हैं, इंक्वायरी चल रहा है। हम लोग के समझ में आ रहा कि प्रॉपर्टी का झमेला है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब जो मारा है उसका नाम अभी बड़ा बाबू के थ्रू मिला है खबर कि अनवर नाम है और आसनसोल रेल पार में रहने वाला। ধৃত আনোয়ার আলমকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত জানান তার ভাই 1,00,000 টাকা ধার নিয়েছিল, সেই টাকা পরিশোধ না করায় সে খুন করেছে। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট আনন্দ বার্তা।